देखा आपने, बाखूबी हम आपको दिखाएंगे। लखीमपुर खीरी में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के दौरे पर दौरा हुआ, लेकिन वहीं आढ़तियों को कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा हम आपको विस्तार से दिखाएंगे। और मंडी सचिव की दबंगई भी हम आपको दिखाएंगे, और आखिर पीड़ित ने कितना रो रो कर बयान करा वो भी हम दिखाएंगे। बाखूबी आप देख रहे हैं, ये गोलर और नवीन सब्जी मंडी के सचिव है, इनका नाम है ब्रजभान प्रजापति, और इन्होंने इरफान की चबूतरा नंबर 12 में से 1/2 न देकर 1/4 दी, जिससे उसकी सब्जी किस तरीके से बर्बाद हो रही है। और बाखूबी आप देख रहे हैं, सब्जी उसकी फीकी जा रही, लेकिन इनके पास न्याय नाम की कोई चीज नहीं है। हम आपको विस्तार से नजारा दिखाते हैं कि आखिर मामला क्या है। मेरा लाइसेंस 2012 से है, हरी सब्जी का काम करता हूँ, कहाँ गोला बोगला नाथ में जी, और मुझे 1/2 दिया गया था 12 नंबर, मैं उस पर सब्जी बेच रहा हूँ, तो राजीव द्वारा ने कहा कि आप 13 में बैठ जाइए, यहाँ पर फिरोज को बैठाया जा रहा, तो हमने कहा चलो 13-12 में कोई फ़र्क नहीं है ना, हम 13 बैठ जाए, फिर 13 से हमको हटा के हमसे कहा गया 1/4 में बैठिए आप, तो हमने उसमें कहा हमारे हरी सब्जी का काम है नहीं भाई, हमारा सोया धनिया इतना आता है कि हम। और अब हम आपको नज़ारा दिखाएंगे कि 28/12/2012 से इरफान का लाइसेंस है नवीन सब्जी मंडी में। आपको बता दें गोला गोखरा नाथ में, जिसमें 12 नंबर चबूतरे में से 1/2 जमीन उसको दे दी गई थी, लेकिन इसी बीच में सचिव ब्रजभान प्रजापति ने आने के बाद 13 नंबर चबूतरे में से 1/4 उसको दे दी, जिससे उसकी सब्जी सड़ने लगी जगह कम होने के कारण। और आपको हम ये भी दिखाएंगे, ये देखिए ये पुराना उसका लाइसेंस है, उसके बाद में दूसरा रिन्यूअल हुआ लाइसेंस, और इसके अलावा मंडी के सारे कागजात और मंडी शुल्क भी है, सारा गेट पास भी उसके पास है, लेकिन आखिर उसके साथ सौतेला व्यवहार क्यों। हालांकि आपको बता दें मंडी सचिव को उसने नोटिस भी दिया, लेकिन कोई जवाब नहीं, और क्या हुआ। और बाखूबी आप आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि गोला के नवीन सब्जी मंडी के अंदर इरफान के इस सब्जी का क्या हाल हो रहा है, बाखूबी आप देख रहे हैं। लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि मंडी सचिव ब्रजभान प्रजापति को दया न आई, हालांकि इरफान का यह भी कहना है कि मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा, क्योंकि मुझे मेरे पेट का सवाल है, मेरे बच्चों का सवाल है। हालांकि आपको हम ये भी सुनवाएंगे इरफान की जुबानी कि कितने समय से इरफान खाली बैठा है, जिसको कोई भी रोजी रोटी का आसरा नहीं है, मात्र एक ही सहारा है उसका, और वो भी छिन गया, जगह को कम करके दिया गया, अब वो क्या करेगा और कितने दिन से बैठा है, हम आपको सुनवाते हैं। बंद है आपका 20 दिन हो गए, आज करीब कारोबार बंद हुआ है। मंडी समिति हम 21 लोगों से जुड़े हुए हैं। नहीं बताइए आप, तो 20 दिन से कारोबार हो गया, तो आपके बच्चे मतलब क्या धंधे पानी पे फर्क, सब परेशान है, तो आपको न्याय नहीं मिल रहा है। नहीं, आपको किससे शिकायत है? हमें सचू से शिकायत है बस, हम जाते हैं तो हमसे उल्टी बात करते हैं। अच्छा, उल्टी बात। हाँ, कोई बात कह देगी हमसे करते नहीं है, बस कहते अनपढ़ हो तुम, तो मेरी गलती है इसमें, पढ़े लिखे हो तुम, पैसे वाले हो तभी पढ़ रहे, हम तो नौकरी करके आए। और अब हम आपको सुनवाएंगे कि इरफान के सर पर कितनी जिम्मेदारी है और कितने बड़े परिवार को लेकर चल रहा है। परिवार को लेके चलते हैं, सब्जी बनातों का जुम्मा हमारे सर, बाप के मर जाने के बाद जिम्मेदार लड़के हम बने, और जब हम जिम्मेदार बने तो 12 से हम बैठ रहे हैं, सन 2012 से। अब एक जगह पर हमसे SDM साहब ने कहा, हम सबसे पहले उठ के वहाँ गए कि साहब का कहना हमको मानना है, उसके बाद एक नंबर में हम सब गाड़ियाँ मंगाते हैं, फिर हमसे सचू साहब झूला मांगते हैं 8 दिन का, तो हमने उनसे ये कहा कि हम पढ़े लिखे नहीं साहब, आप जो भी कार्रवाई करो आप लिखवा लो, मंडी वाले तो चाहते हैं, लेकिन सचू साहब ने हमसे कहा तुम पढ़े नहीं कड़े बहुत हो, तुम हर जगह जाते हो अपने न्याय के लिए, जब सुनवाई नहीं हो रही तो हम कहाँ कहाँ जाएंगे, जहाँ हमारा दिल होगा वहाँ जाएंगे। तो मंडी सचिव आपको जो है ब्रजभान प्रजापति न्याय नहीं दे रहे हैं? कोई न्याय नहीं, सबको हम जमीन में बैठते हैं, हम जमीन में जाके हमसे ये नहीं कहते हैं कि तुम जमीन में क्यों बैठे हो,
कि वो बड़े आरती जो हैं उनकी सुनवाई होती है, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। जबकि आप लाइसेंस धारक हो। लाइसेंस धारी है, जबकि मंडी सोया धनिया का मेरा काम सबसे मेन है। अगर हम बाहर से कोई माल मंगाते हैं तो गेट पास मंगवाते हैं कि रस्ते। और बाखूबी आपने देखा कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ दौरे पर दौरे लखीमपुर में करे, लेकिन लखीमपुर के नवीन मंडी सब्जी मंडी के सचिव ब्रजभान प्रजापति की जो भी कार्यशैली थी वो आपके सामने है, और इतना परेशान कर दिया आढ़तियों को कि आखिरकार वो किस अंदाज में और किस परेशानी में जी रहा है, वो नजारा आपके सामने है। अब देखना ये है कि योगी राज में क्या इसको न्याय मिल पाएगा या इसको मन मुताबिक जगह मिल पाएगी या नहीं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं जिससे हर नई खबर पहुंचे आपके पास।